हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। जैसे कि अगर हम बात करें ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, जैसा कि आज आप देख रहे होंगे कि इसमें जो लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो गया है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी शेयर में लोअर सर्किट लगता है तो उसके बाद अपर सर्किट लगता है, यानी कि जब भी मार्केट क्रैश होता है उसके बाद बाउंस बैक मारता है, ये आपको पता होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँ, अगर आपके पास शेयर है और इसमें लोअर सर्किट लग गया और अगर आप डर गए हैं कि कहीं मेरा पैसा जो लूज़ ना हो जाए, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और काफ़ी अच्छे यहाँ पे रिटर्न देने को मिल सकता है। इसमें कुछ नहीं, यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुक किया जा रहा है, इसलिए इसमें जो है लोअर सर्किट लग गया है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें अपर सर्किट भी लगेगा, बस आपको सिर्फ पेशेंस रखना होगा थोड़ा। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो जो आने वाला जो रिटर्न होगा वो आप जो है मिस कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जिसके पास ऑलरेडी शेयर है तो वो सेल ना करें, आपके लिए बाउंस बैक ही शेयर मारेगा। जैसे कि मैंने लियोड स्टील में भी आपसे कहा था, उसमें भी कंपनी ने जो है बाउंस बैक मारा था, नहीं मारा था। तो हर एक कंपनी जो है बाउंस बैक मारती है, हर एक शेयर प्राइस। जैसे कि अगर हम इंडियन इंफोटेक की बात करें तो उसमें भी जो है लोअर सर्किट लगा था, फिर भी उसने जो है बाउंस बैक मारा। अगर हम करेंटली बात करें रतन वो रिलायंस पावर की अगर हम बात करें, तो उसमें जो है 5-6 दिन से ज़्यादा का जो है लोअर सर्किट लग गया था, लेकिन फिर कंपनी ने जो है बाउंस बैक मारा। तो मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूँ कि इसमें अगर आपको लोअर सर्किट दिख रहा है तो ये उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है जो इसमें एंटर करना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये करेक्शन जो है उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है जो इसमें जो है बाय करना चाहते हैं इस शेयर को। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, अगर आपने अभी तक बाय नहीं करा और आप इस शेयर को लेना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये कि इसमें लोअर सर्किट लग गया और आप जो इसमें एंटर कर सकते हैं। तो फ्रेश एंट्री आप जो ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया शेयर है और बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको यहाँ से मिल सकता है। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि अच्छा जो रिटर्न होगा वो आपको पेशेंस रखना ही होगा और लॉन्ग टर्म में ही आपको अच्छा देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो एक महीने में ही आप जो 2,000-3,000% का रिटर्न ले लो, ऐसा जो इम्पॉसिबल है। हाँ, वो एक अलग बात होती है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाए उसमें करोड़ों की डील, तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन हाई रिटर्न आपको जो है लॉन्ग टर्म में ही मिलेगा। पेशेंस आपको रखना होगा, भले इसमें आपको लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है इस टाइम, लेकिन अगर आप पेशेंस रखेंगे और होल्ड करके रखेंगे तभी आप यहाँ पे अच्छा रिटर्न जो है देख सकते हैं। और ये करेक्शन उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जो इसमें एंटर करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन हो रहा है, यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है और ये इसका जो प्राइस है वो डाउन इसीलिए हो रहा है। और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टाइम है आपको इन्वेस्ट करने के लिए इस शेयर में। और मैं आपसे बस यही कहूँगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आपको जो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो ये एक बात तो आपने देखा ही होगा कि हर एक शेयर में आपको अप एंड डाउन तो आते रहेंगे, तो आपको बस पेशेंस रखना होगा तभी आप जो हाई रिटर्न गेन कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप जो स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा रिटर्न नहीं ले पाएंगे। तो पेशेंस जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट में। बस यही थी वीडियो,